डाटा नमक खाने वालों हो जाओ सावधान, नमक के नाम पर परोसा जा रहा है आपकी थाली में जहर। नकली टाटा नमक का जखीरा हुआ बरामद, पुलिस ने फैक्ट्री पर मारा छापा तो फटी की फटी रह गई आंखें। मैनपुरी के इस इलाके में चल रही थी नकली टाटा नमक की फैक्ट्री और इस पदार्थ से तैयार किया जा रहा था नमक। देखिए कैसे हुआ खुलासा और कौन है फैक्ट्री का मालिक, सच्चाई का हर पहलू आपको चौंका देगा। एक तरफ ब्रांड का चस्का और दूसरी तरफ कम वक्त में मोटे मुनाफे का लालच कैसे आदमी को बीमार बना सकता है, इसका खुलासा आपके पैरों तले से जमीन खींच लेगा। यकीन नहीं आता तो फिर इस खबर को आखिर तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो शुरुआत नमक से ही करते हैं। हर घर में नमक इस्तेमाल होता है और टाटा नमक तो हर किसी की पहली पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि मुनाफा खोरों ने नमक में भी जहर घोलना शुरू कर दिया है। मैनपुरी से नकली टाटा नमक का जखीरा पकड़ा गया है। फैक्ट्री पर जब पुलिस ने छापा मारा तो जो नज़ारा दिखा उसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। छापे के दौरान दो जिलों की पुलिस मौजूद थी, लेकिन फिर भी आरोपी चकमा देकर फरार हो गए। इस एक्शन में टाटा कंपनी का प्रबंधन भी शामिल था। बताया जा रहा है कि ये खेल लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं हुई। जब गाजियाबाद में नकली नमक का मामला सामने आया तो फिर खुलासा हुआ कि इसका जाल मैनपुरी तक फैला है। दरअसल टाटा कंपनी अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के नथा गांव से जुड़ा है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में दो दुकानों से बड़ी मात्रा में टाटा कंपनी का नकली नमक बरामद हुआ था। पकड़े गए दुकानदारों ने पूछताछ में मैनपुरी से नकली नमक की सप्लाई की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने साहिबाबाद पुलिस और मैनपुरी के थाना बरनाहल की पुलिस के साथ नगला नथा में छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में नमक, होलोग्राम, रैपर और उपकरण बरामद किए गए। वहीं छापेमारी से पहले फैक्ट्री संचालक और कारीगर भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस कंपनी से आए चार कर्मचारियों की तहरीर पर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना प्रभारी बरनाहल सुखवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब आरोपी गिरफ्तार होंगे और उनसे पूछताछ होगी तभी पता चल पाएगा कि इस काले धंधे में कौन कौन शामिल है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि इस खेल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी सीख चौके पीछे होंगे। ऐसे में अगर आप भी टाटा नमक खा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। क्या पता आपके घर में जो नमक मौजूद है वो नकली हो और आप उसको खाने के बाद गंभीर बीमार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।